हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुरु और मैं आज आपको रुद्रा एज ऑफ डार्कनेस एपिसोड 2 का रिव्यू देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यह सीरीज के स्टार्टिंग में हमें पुलिस की गाड़ी को दिखाया जाता है जो कि एक मर्डर स्पॉट पर पहुंच जाते हैं और उन्हें एक आदमी गिरा हुआ दिखता है। जैसे वो उसके पास जाते हैं तो वो आदमी उन पर गोली चलाता है और दोनों पुलिस ऑफिसर को मार देता है और उनमें से एक पुलिस वाले का वॉकी टॉकी चुरा लेता है और नकली वॉकी टॉकी रख देता है और चला जाता है। यह दीपाली राजू के साथ बातचीत करती है और रुद्र के बारे में पूछताछ करती है। राजू कहता है कि उस दिन मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी बस, और दीपाली उसे छोड़ देती है और राजू शायला को लेकर चला जाता है। फिर यह रुद्रा और प्रबल उस मर्डर स्पॉट पर पहुंच जाते हैं जहां उन दो पुलिस ऑफिसर को मारा था। रुद्र बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करता है और उसे समझ आता है कि यह सब प्लान था। फिर प्रबल सीसीटीवी फुटेज चेक करता है लेकिन उसमें उसका चेहरा दिखाई नहीं देता और रुद्र उनकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनता है। फिर रुद्र सीसीटीवी फुटेज देखता है और बारीकी से उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखता है और प्रबल को कहता है कि यह आदमी आर्म फोर्सेस से है। रुद्र की यही बात अच्छी होती है कि वो जल्द से क्राइम सीन पहचान लेता है और सब कुछ नोट करता है और रुद्र प्रबल को कहता है कि सारे सोल्जर्स की लिस्ट निकालो। तभी रुद्र को आलिया का फोन आता है और उसे एक शायरी सुनाती है। रुद्र उसे पूछता है कि कहाँ हो तुम। तभी हमें दिखाया जाता है कि आलिया हॉस्पिटल में मंदार के बाजू में बैठी है। रुद्र उसे कहता है कि तुम वहाँ से चली जाओ और ये सब करना बंद करो। फिर रुद्र प्रबल से पूछता है कि कुछ रिकॉर्ड मिला क्या। प्रबल कहता है कि कुछ नहीं मिला तो रुद्र उसे ओल्ड रिकॉर्ड चेक करने के लिए कहता है। फिर वो उस आदमी की इन्फॉर्मेशन निकालता है। इसका नाम है कर्नल यशवंत निकोस है। रुद्र कहता है कि इसने एक पुलिस ऑफिसर को मारा है। दीपाली कहते कि ये तो लाइफ टाइम जेल में है। रुद्र कहते हैं कि उसका बेटा अशोक निकोस है, ये भी अपने पिताजी की तरह यूनिट में था लेकिन पिछले साल इसने डिस्चार्ज लिया और उसकी बीवी ने भी उसे डिवोर्स दिया, तभी से ये दिखाई नहीं दिया। रुद्र कहता है कि इसे हमसे नहीं हमारी वर्दी से प्रॉब्लम है। फिर यह हमें अशोक को दिखाया जाता है जो कि न्यूज देख रहा होता है और पुलिस की वॉकी टॉकी से सारी इनसाइडर न्यूज सुनता है। फिर से एक लेडी पुलिस के साथ अशोक प्रैंक करता है और वो लेडी पुलिस वहां से निकलती है और अशोक भी उसके सामने से चला हुआ आता है और जैसे ही वो उसके पास आता है तो वो उस पर गोली चलाता है और चला जाता है। या गौतम को इसकी खबर मिलती है और रुद्र और सारे पुलिस उस स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। रुद्र आजू बाजू का एरिया देखता है और उसे समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी सामने वाले बिल्डिंग से फायरिंग होती है और बहुत से पुलिस ऑफिसर मारे जाते हैं। यह अशोक लाइव रिकॉर्डिंग करता है और वीडियो में कहता है कि जब तक मेरे पिताजी को नहीं छोड़ेंगे तब तक मैं पुलिस वालों को मारता रहूंगा। यह रुद्र कहता है कि यह अपने बाप के बारे में ज्यादा बोल रहा है, इसका बाप ही हमें बताएगा कि यह सब आखिर चल क्या रहा है। और रुद्र प्रबल को उसके पिताजी किस जेल में है ढूंढने के लिए कहता है तो प्रबल कहता है कि उसके पिताजी मार्टिन जेल में है। और रुद्र प्रबल से कहता है कि अशोक उसके पिताजी से कब मिला था ये देखो। और तभी रुद्र को आलिया का फोन आता है। आलिया उसे पूछती है कि तुमने मंदारा के साथ क्या किया तो रुद्र उसे कुछ नहीं कहता और फोन रखता है। रुद्र शैला को फोन करता है और कुछ दिन के लिए सिटी से बाहर जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि तुम्हें आलिया से खतरा है और शैला फोन रख देती है। रुद्र फिर ऑफिस आकर वीडियो फुटेज देखता है लेकिन उस वीडियो में आवाज नहीं होती, लेकिन ये तो ऐसे भी रुद्र है, इसी में तो वो होशियार है। रुद्र बारीकी से यशवंत और अशोक को देखता है। रुद्र कहता है कि ये बस अपने बेटे को हुक्म दे रहा है और कुछ नहीं, और यशवंत को मिलने के लिए जेल जाता है। रुद्र उससे कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम अपने बेटे का इस्तेमाल कर रहे हो और कुछ नहीं। उसी बीच यह प्रबल और गौतम उसकी रूम में छानबीन करते ताकि कुछ मिल सके। तभी गौतम को सेल फोन मिलता है। गौतम उस फोन को चेक करता है तो उसमें सिर्फ एक ही फ़ोन नंबर होता है और वो डाटा दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र करता है। यह रुद्र यशवंत से कहता है कि तुम्हारा बेटा एक न एक दिन मरने वाला है। यशवंत रुद्र से कहते हैं कि अशोक को पकड़ना इतना भी आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है। तभी रुद्र उसे एक सिंपल लाइन कहता है और वो लाइन ये होती है, हर चूतिए को यही लगता है कि वो चूतिया नहीं है जब तक उसका बाप उसके सामने नहीं आ जाता। और उसे एक अच्छा पिता होने के लिए कहता है। यशवंत उसे कहता है कि मेरी उम्र कैद की सजा कम करो वरना अशोक ऐसे ही मारता रहेगा। और रुद्र चला जाता है। या गौतम उसका फोन नंबर ट्रैक करता है और उसे अशोक निकोसे का पता चल जाता है। फिर दीपाली एडिशनल टीम को लेके उस लोकेशन पर पहुंच जाती है और मिलिट्री सोल्जर्स बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। या प्रबल और रुद्र भी उस लोकेशन पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रुद्र यही सोचता है कि सिर्फ एक नंबर ही उसने सेव क्यों किया होगा, वो चाहता तो उसे याद भी कर सकता था। या सोल्जर्स को फोन की आवाज़ सुनाई देती है। तभी रुद्र वहाँ आता है और मिशन अबॉर्ट करने के लिए कहता है लेकिन देर हो चुकी होती है और वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होता है। अशोक भी वही होता है और अपने वॉकी टॉकी पर यह सब बात सुनता है और वो चला जाता है। गौतम को भी बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ। 6 कमांडो उस बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए। रुद्र जाकर मरे हुए पुलिस के वॉकी टॉकी देखता है तो उसे समझ आता है कि उसने जानबूझ के ये किया जिससे उसे अंदर की खबर मिल सके। यहाँ रुद्र न्यूज चैनल पर जानबूझकर अशोक के बारे में भला बुरा कहता है। वो कहता है कि उसकी कचरा उठाने की औकात है, उसके बीवी ने भी उसे छोड़ दिया। दीपाली और गौतम भी रुद्र को टीवी पर देख रहे होते। दीपाली कहते हैं कि ये जानबूझकर अपने आप को अशोक का
टारगेट बना रहा है। अशोक भी रुद्र को टीवी पर देखता है और रुद्र कहता है कि हम जल्दी मिलेंगे। यहाँ शायरा और राजू भी न्यूज देख रहे होते, तभी राजू को घर में से कुछ आवाज सुनाई देती है। तो वो जाकर देखता है तो वहाँ आलिया होती है। आलिया शायरा से रुद्र के बारे में कुछ सवाल पूछती है और चली जाती है। यहाँ रुद्र जानबूझकर वॉकी टॉकी पर दीपाली से कहता है कि वो अशोक के पुराने घर कोलाबा में जा रहा है। अशोक ये सारी बात सुनता है और वो भी चला जाता है। जैसे रुद्र वहाँ पहुँचता है तो वो सब कुछ ध्यान से देखता है। तभी अशोक आता है और उसे कहता है कि तुम्हें मरने का शौक है क्या। रुद्र कहता है कि तुम बहुत डरपोक थे बचपन में, तुम्हारा बाप तुम्हें बहुत मारता था। ये सुनकर अशोक फ्रस्ट्रेट होता है और फायरिंग करने लगता है। अशोक उसे चुप बैठने के लिए कहता है। रुद्र जानबूझकर उसे कहता रहता है। रुद्र कहता है कि मेरे साथ चलो, तुम तुम्हारे बाप की तरह नहीं हो। तभी अशोक कहता है कि तुम्हें कभी धोखा नहीं मिला, और वो जानबूझकर गन में एक ही गोली रखता है और बारी बारी से रुद्र और खुद पर फायरिंग करता है। लास्ट राउंड होता है और अशोक समझ जाता है कि अब मैं मरने वाला हूँ। तभी रुद्र उसे मारता है और बचा लेता है और उसका स्टेटमेंट लेते हैं, लेकिन अशोक कुछ नहीं बताता और बस अपना नाम बार बार कहता है। और गौतम और दीपाली को समझ आता है कि ये कुछ नहीं कहने वाला। यह रुद्र आलिया से मिलता है और उसे कहता है कि तुम्हें मारने का दिल करता है। आलिया कहती है कि तुम्हारी बीवी तो बहुत अच्छी है। आलिया कहती है कि हम अच्छे दोस्त थे। तभी रुद्र कहता है कि हम दोस्त तो बिल्कुल नहीं हो सकते। और आलिया और रुद्र चाय पीने के लिए जाते हैं और ये सीरीज यही खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।